हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग वेलकम बैक जैसे कि मैं आज इस समय लाइव आया हूं एक सिटीस्केप लेके एक झलक मैं सिटीस्केप दिखा देता हूं कौन सा मैं करने वाला हूं और आप तुरंत इसे uh, जो कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ये आज का जो सिटीस्केप मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल इसके जो है कंपोजिशन काफ़ी अच्छा है एक अच्छा डेप्थ है और इसमें यूनिक एक यूलो टैक्सी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस पेंटिंग को बनाने के लिए मज़ा आएगा थोड़ा तो चलिए स्टार्ट करते और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ओके थैंक यू पेंसिल प्लेयर स्टूडियो राम राम सर जी राम राम जी राम राम ओके थैंक यू सो मच तो कि ओके okay, तो हम स्टार्ट करते हैं तो ओके okay, गुड और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफा आ, ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि ये आप जैसे कि आप देख पा रहे हो एक पेंसिल ब्रश सेट है स्टेशनरी का है और आज के डेट में स्टेशनरी जो की है एक इंडियन ब्रांड है और इन्होंने काफी अच्छा डेवलप किया इन्होंने जो ब्रशेस के अंदर सिंथेटिक ब्रशेस है बट इतना अच्छा इन्होंने लेके आए ब्रशेस मैं खुद यूज करता हूं जिसमें कुछ सीरीज जो है इस तरह से आपके रिगर ब्रशेस है कुछ डगर ब्रशेस है कुछ मॉप ब्रश ये तो एक सेट में आता है काफी अच्छा रिजनेबल प्राइस में तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके आप देख सकते हैं स्टेशनरी करके मैंने लिंक स्टार्ट स्टार्ट डाल के मैंने लिंक शेयर किया तो वहां पे जाके आप शेयर कर सकते हैं तो ऐसे स्टेशनरी के जो भी प्रोडक्ट है आपको रिजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल है काफी सॉफ्ट है काफी अच्छा है सिंथेटिक अच्छा सिंथेटिक यूज होने के कारण काफी अच्छा सॉफ्ट है और काफी अच्छा कैरी कर रहा है ये तो काफी अच्छा मतलब रिजनेबल प्राइस है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और ये सब आपको आर्टिकल में अवेलेबल है और उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया ये सारे प्रोडक्ट ठीक है और मेरा कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड है अचंतया सी आई आई एन टी यू आई ए अचंतया ठीक है तो ये प्रोडक्ट के आ, क्या होता है कि हम जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास इनके इंफॉर्मेशन बहुत जल्द आते हैं और हम कोशिश करते जो अच्छे होते बेस्ट होते वो आपके लिए आपको आपकी सुविधा के लिए वो हम शेयर भी करते हैं और आप सबसे पहले हम जानते हैं फिर आपको आप शेयर करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है तो खास करके जो स्टेशनरी का जो भी प्रोडक्ट है मैंने ये चीज़ देखा इंडियन बजट के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट के सबसे काफ़ी बेस्ट है एक लर्नर के लिए जैसे एक बेसिक वाटर कलर इंटरमीडिएट तक आप स्टार्ट कर रहे हो काम उनको बहुत सारे ब्रशेस की ज़रूरत है तो स्टेशनरी जो है एक मैंने लिंक शेयर किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके जरिए आप उस प्रोडक्ट को आप जाके चेक कर सकते हैं या ले सकते हैं मेरे कूपन कोड यूज़ करने से और थोड़ा आपको बेनिफिट हो जाएगा चलिए अभी थोड़ा मैं आगे बढ़ते हैं ये है कुछ मैंने सिटी स्केप यहाँ पे जो कि आपको थोड़ी देर पहले आपको रेफरेंस दिखाया था तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है जिस तरह से रेफरेंस है उसी तरह से मैंने पेपर को यहाँ पे क्रॉपिंग किया आप देख सकते हैं और और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम ये सब देखते हैं यूट्यूब के जरिए वो सब क्या है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ठीक है एक तो प्रैक्टिस होना जरूरी है और आप जो काम करते हो उसे किसी ना किसी मेंटर के पास उसको आपको थोड़ा सा रिव्यू करना बहुत जरूरी है ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिए तो अच्छा हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे जो है स्टेशनरी का ब्रश से थोड़ा सा मैं आ, करता हूँ काफी मजेदार ब्रश है सॉफ्ट है ओके कुछ एक फ्लैट ब्रश जो की है वो भी आपको आर्टिकेट में अवेलेबल है मैं कुछ समय से मैं यूज कर रहा हूँ ये जो कि सिल्वर का है और आप साइज पता कर सकते हैं जो ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर है वो तकरीबन क्वार्टर साइज के लिए बेस्ट है ट्वेंटी थर्टी नंबर तक ठीक है तो यहाँ पे मैं थोड़ा पेपर को गीला करना है इसलिए फ्लैट ब्रश को लिया। मैं सारी बातें शेयर करूंगा और बाद में आपके जो कमेंट्स हैं वो देखूंगा आप जरूर कमेंट्स करते रहिए जो भी सवाल होंगे आपके वो सवाल डाल दीजिए मैं थोड़ी देर बाद ही आपका जो सवाल है उनको मैं देखूंगा और उसके ऊपर आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा तो मैंने इतना पार्ट तक मैंने गीला किया थोड़ा आसमान को एक दफा पहले मैं कलर करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे नोटिस करना चाह रहा हूँ कि क्या कलर एग्जैक्ट आसमान में कुछ ऑरेंज है कुछ अल्टाम है कुछ लेवेंडर है धुआं सा होने के कारण कुछ लेवेंडर देखने को मिल है थोड़ा ऑरेंज भी लिया अल्ट भी लिया क्योंकि ये जो है जो कलर क्या मूड बन रहा है ये यहाँ पे पेंटिंग का क्या मूड तैयार होना है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये और मैं पेपर यूज कर रहा हूँ ये लाना पेपर यूज कर रहा हूं लाना कोल्ड स्टेशनरी का उसके साथ जो जैसे कि ये सेट है अच्छा सेट बनाया इन्होंने इसके अंदर एक फ्लैट ब्रश भी है और काफी सॉफ्ट है काफी आप देखेंगे काफी मतलब क्वालिटी जो है काफी अच्छा किया है बन टम्बर अल्टा टाइम टू टाइम थोड़ा कलर जो है मैं चेंज कर रहा हूं और वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहेगा यहाँ पे कुछ धुआं असर करना है स्मोक के लिए तो मैंने और थोड़ा सा लेवेंडर ऑरेंज को इस्तेमाल किया है धीरे से एकदम मर्ज होते हुए अंदर की तरफ जा रहा है तो कलर पर्सपेक्टिव भी तैयार होगा बहुत इजी करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं फीकर तो यहाँ पे था अब रेफरेंस को जो मेरे ग्रुप है ग्रुप के जरिए वो रेफरेंस आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास अगर कैलीगी के ब्रश नहीं होते तो ऐसे में आप इस तरह से फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं ये जो रेफ़रेंस है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ और वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थोड़ा सा एलिज़न क्रिम्सन अल्टामरीन और आप नोटिस कर सकते हैं कितना वाटर है इस समय गैम्बोज यू लो या पार्मीओ लो इस तरह से कुछ यू लो आप यूज़ कर सकते हैं ओके okay. देन जो रोड है थोड़ा सा वॉर्म वा, कलर जैसे कि इस तरह से रेड ब्राउन कलर हो रहा है

तो इसमें फास्ट वास्ट में इस तरह से हमने एक दूसरे के कलर के साथ जो है ना मिक्स होने दिया अच्छी तरह स्टार्टिंग में इस तरह से लाइट कलर यूज करना होता है इस तरह से जो ओवेल ब्रशेस है आपके फ्लावर्स वगैरह बनाते समय बहुत अच्छा काम आता है ओवेल जो उसमें पेटल्स वगैरह बनाने के लिए कलर करने में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा काम आता है जो फ्लावर ज़्यादा बनाते हैं उनके लिए ये जो ओवेल ब्रशेस है वो काफी अच्छा रहेगा ठीक है जब तो तक तो ये ड्राई कर ड्राई हो रहा है तब तो तक तो आपके थोड़ा सा सवाल मैं देख लेता हूँ गुड इवनिंग अनुराधा जी नमस्कार थैंक यू ओके स्मृति मैम थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा जी नमस्ते थैंक यू पेंटेड कैनवास मिस्ट्री गुड इवनिंग थैंक यू गुड इवनिंग प्रियंका ब्रजर जी गुड इवनिंग मैम मैं इथरी साइज पे काम किया आज बट तीन घंटे लगा कंपोजिशन में बट आउटकम देख के दिल खुश हो गया लेकिन टाइम कम करना है दो घंटे में बनाना चाहता हूँ उसे आ, कैसे जल्दी करें यह है ड्राइविंग है तो हम ड्राइविंग जैसे सीखते हैं ना तो स्टार्टिंग में आपको क्या स्पीड नहीं होता आप चाहते हुए भी स्पीड करेंगे स्पीड करेंगे तो गिर जाएंगे तो इसी तरह से आपको करते करते धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे आपको हर एक चीज को जिस तरह से आप हैंडलिंग जिस तरह से ईजी करेंगे वैसे आप और जल्दी हो जाएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उसके लिए आपको जरूरत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप ज़्यादा काम करो बस ठीक है और ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये सोचो कि अच्छी बात है कि क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है hmm... संजीवन भट्टाचार्य जी कैन साम प्लीज रिपोस्ट द रेफरेंस फोटो इन द ग्रुप ग्रुप में है वैसे तो आपको फिर से मिल जाएगा मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे फिर से शेयर कर दूंगा ओके सुजात सुजन सुजन क्या टॉनिम पोर्ट हेलो ऑल थैंक यू बीपुल जी गुड इवनिंग सर थैंक्स फॉर अरेंजिंग सच डेमो फॉर आस यस वेलकम सुरजीत भट्टाचार्य जी गुड इवनिंग फ्रॉम हाँ सुरजीत जी ओके शिल्पी जी गुड इवनिंग थैंक यू रविंद्र जी नमस्कार गुड इवनिंग थैंक यू सो मच ओके हाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है लिंक दिया हुआ है ग्रुप का whatsapp ग्रुप का वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ उसका भी लिंक है वो भी आप देख सकते हैं okay, ओके तो थोड़ा सा ड्राई हुआ तो थोड़ा सा मैं हेयर ड्राई से ड्राई कर लेता हूँ और कुछ सवाल है तो आप डाल लिए ज़रूर तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से अगर बता दूं कि कैसा कैसा कौन कौन सा कलर यूज हुआ है सबसे तो पहले मैंने ये आधा पार्ट को तो गीला किया ओके? आधा पार्ट को तो मैंने गीला किया, गीला करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अल्चाम लेवेंडर आल्चामिन लेवेंडर, ऑरेंज ये सब तो यूज किया मैंने ध्यान रखा कि मेरे कॉम्पोजिशन में कितना लाइट है आसमान में और यहाँ पे स्मोक इफेक्ट डालने के लिए मैंने लेवेंडर यूज किया आप चाहे तो कोवल ब्लू व्हाइट यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे कलर को मैंने पेंट करते हुए ब्लू ऑरेंज वन टम्बर इस तरह से यूज किया इस तरह से फिर ऑरेंज पेंसन ऐसे ऐसा कलर यूज करके यहाँ तक तो पहुंचा नीचे रेड ब्राउन ब्रिज में जो है और इसको एक गेम्बो जियोलो ऐसा लाइटली यूज किया है और कुछ स्पेशल हल्का हल्का ग्रीन है जो कि यूज़ वो यूज किया इसे ड्राई कर लेते हैं जिससे कि हम फिर से इसके अंदर काम कर पाएंगे अच्छी तरह नहीं तो एक दूसरे के साथ कलर जो है ऊपर माउंट हो जाएगा तो बिखर जाएगा स्टेप बाय स्टेप करना करने से आपके जो पेंटिंग डलनेस है वो नहीं होगा अब यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा अच्छी तरह कि जो इस एरिया में क्या कलर है और कैसा कलर ही इस्तेमाल होगा है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा मेरे लिए आ, क्योंकि वो दूर भी दिखाना होता है और कलर में ज़्यादा हम कलर्स को ज़्यादा चमक नहीं ला सकते तो वही सब कलर है ऑरेंज था अल्टरमे लेवेंडर लेवेंडर जो है मिजलो का है ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ अभी वाटर भी बहुत सारे हैं और मुझे क्या है ना कि थोड़ा सा मोटे ब्रश यूज करने का आदत है और इसीलिए मैं देखो थोड़ा सा मोटे ब्रश ही उठा लिया कैलीग्राफी ब्रश है जो कुछ कुछ ऐसा मैं लाइट छोड़ने से ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा वहाँ पे कुछ है कलर एकदम जो भी कलर में बनाया बहुत क्या बोलो उस कलर्स को मैंने इस तरह से बनाया वो लेवेंडर वगैरह यूज करके उसके अंदर बहुत ऐसी चमक क्या बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है क्योंकि इस समय में ज्यादा इस एरिया में देखो इससे यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गया जैसे जैसे मैं पास में आऊंगा वैसे वैसे मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूं इस एरिया में काम करने के लिए एक और मजेदार ब्रश है जो कि उसका नाम लेने से पहले गुम हो गया कहाँ गया हाँ मिल गया ओके okay. ये प्रिंसटोन का है एक्वालाइट है मतलब जैसे कि आप छोटे छोटे वहां पे कलर्स को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह से गिले में ऐड करना है कलर्स अल्टामरीन ऑरेंज रेड ब्राउन तो कुछ ऐसा कर रहा हूं वहां पे बहुत कुछ होने का असर हो और वो कलर एकदम से बहुत ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए भी ध्यान रखना है क्योंकि वो पार्ट जो है काफ़ी दूर है और इसीलिए गिले गिले पे इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो देखो डेप्थ भी महसूस हुआ और बहुत कुछ होने का असर कराया यहाँ पे जो भी जैसे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम मोटा और गढ़ा लाइन्स नहीं करे तो खत्म हो जाएगा देखो वो बना हुआ है बहुत सारे कलर्स में भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है जैसे कुछ पेड़ होने का असर कर रहा है जो भी लाइट थोड़ा सा फ्रंट या ऊपर से आ रहा है जिसकी वजह से इनमें सब जो है ज्यादा मुझे लाइट नहीं दिख रहा है लाइट इधर फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है इस रोड पे दिख रहा है फिर से मैं थोड़ा लेवेंडर लगा के थोड़ा सा उसकी जो कलर वैल्यूज है उस पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ कलर में वेरिएशन लाने के लिए जैसे कि ये ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा कम करेंगे बहुत सारी जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है कुछ कलरफुल कुछ भी हो सकता है दुकान वगैरह है तो उसके लिए टाइम टू टाइम आपको क्या है कि कलर्स इस तरह से कलर्स के जो वेरिएशन है वो जरूर ऐड करना है जिससे कि आपके कंपोजिशन और थोड़ा सा ब्यूटी हो जाए बहुत दूर जाते हुए कुछ ग्रे कलर को मैंने इस तरह से मर्ज कर दिया कुछ ऐसा लेयरिंग दिखे जैसे कि बहुत दूर कुछ है और ये ब्रश काफी काम का है क्योंकि इसकी पॉइंट काफी अच्छा है और बहुत ऐसे वहां पे ऐसा डार्क नहीं है कि जो भी एकदम मेरे पास में आ जाए उतना डार्क है जितने की जरूरत था उतना किया तो उस चीज को हम नहीं समझ पाते कहीं पर वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपके जो भी सवाल आता है आप डाल के रखिए मैं इसे थोड़ा करने के बाद आपके सवाल ज़रूर देखूंगा क्योंकि काफ़ी बड़े काम है और इसमें बहुत कुछ काम करना है आपको बताना भी है अभी फिर से क्या हुआ मेरा ये पार्ट जो है गीला हो गया ना गिला हो गया उसमें अभी ड्रामा करने के लिए इस गीले, -गीले पे मुझे अभी मतलब यहाँ से जाना नहीं है इस पार्ट को गीला किया था फिर वहां पे कुछ डार्क कलर लेके कुछ कलर ऐड ऑन किया यहाँ पर भी वही कर रहा हूं अल्टाग्रीन और रेड ब्राउन के साथ इससे कि क्या होगा देखो यहाँ पे कुछ जो मेरे तो टैक्सी है वो मतलब एकदम से उभर के आ जाएगा इसी तरह से कुछ नेचर में इसी तरह से कुछ काम करता है नेचर में नेचुरली वो बैकग्राउंड में कुछ होते हैं, फोरग्राउंड में कुछ होते हैं, जिसकी वजह से आपकी चीजें अच्छी तरह दिखता है और ये जो है मैं यूज जो कर रहा हूं डार्क ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ के एकदम उसको दिखाने के लिए कर रहा है तो उसमें वेरिएशन भी डालना है ड्रामा भी करना है ये सब चीजें बहुत सारी बातें मैं शेयर कर रहा हूँ आप बने रहेंगे तो जरूर आपके बेनिफिट होने वाला है तो देखो एक लाइट कलर एक डार्क के ऊपर नहीं आता ऐसा नहीं है आप यहाँ पे देखो ये ग्रे टोन के ऊपर भी मैंने ये जो लाइट कलर को यहाँ पे लगाया और दिख रहा है वो कलर थोड़ा तो तो इसे फिंगर टच क्यों करता हूँ कभी कभी कि उसको जब ज़्यादा हो जाता है ऐसा लगता है तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा तो सा डल करने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं ऊपर जो है शेड्स में क्या है कि थोड़ा डार्क आएगा अंधेरा है बट अभी गीला गीला में ही करना है ओके okay, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेडिंग्स को थोड़ा सा जो आपस में एक थ्री इफेक्ट आए जिससे वजह से यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा मैं कलर तो शेडिंग यहाँ पे जरूर लेके आऊँगा इतने सारे वाटर है वाटर के साथ चल रहा है वो भी आपको नोटिस करना है क्योंकि वाटर कलर पेंटिंग जो है वाटर में तैरना चाहता है हर वक्त अगर ज्यादा हो गया था वो कम कर दिया ठीक है तो इस तरह से जो बिल्डिंग है वो आपको इस फॉर्म में दिख रहा है और ये सब चीज जो है आपको एक बार में नहीं आएगा आपको करते करते आएगा बार बार ओके तो इस हिसाब से अभी हमें जो ईज वाला पार्ट है काफी अच्छी तरह काफी अच्छा मतलब कलर स्कीम के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा वो डरने का नहीं डराने का होता है और हर जगह तो उतना काम नहीं करना होता है ना तो कुछ ड्रामा भी करना होता है मैं भी तरह तरह के कलर्स मिक्स कर दिया यहां पे ये वाला जो है इसके सामने थोड़ा सा लाइट आ रहा है ऐसा कुछ दिखाना है बिल्डिंग्स के वाटर अल्टामेरिन पेन्स गए or a red brown I'll come in. बिल्डिंग यहाँ पे जो कि दीवार है वाइट सा दिख रहा था तो फिर से लेवेंडर को एक्टिव किया ओल्ड बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कहीं पे व्हाइट है कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है कहीं पे काई जम रहा है ग्रीन हो रहा है टैक्सी में जाके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कलर जो है उसे मेंटेन करना ही है पहले वाला कलर आप देख सकते कि वो एकदम से गुम हो गया तो पहले वाला जो कलर यूज इस्तेमाल हुआ वो हाईलाइट के लिए मैं छोड़ के बाकी अभी जो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे मीड टोन पे लेके जा रहा हूँ और इसके बाद जो यूज़ करूंगा वो डार्क शेडो के लिए यूज़ करूँगा उसी के साथ थोड़ सा थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा रेड ब्राउन का आपके पैलेट में बहुत सारे कलर्स हैं। आपको जो कलर्स वहाँ पे महसूस हो रहा है वो कलर बनाना है और वो येलो रेड के साथ ही तो बनेगा और यहाँ पे जब भी हम कुछ चीज़ डार्क करते हैं उसको क्या करते हैं हम गीले गीले पे करने की कोशिश करते हैं for ultimate for red brown अच्छा खासा वाटर के साथ उसको फ्लो में नीचे लेके आया थोड़ा सा ड्रामा दिखे थोड़ा सा दूर हो रहा है तो आइटावेनिंग थोड़ा ज़्यादा कर लिया ये हालांकि व्हाइट है बट यहाँ पे कुछ दीवार व्हाइट है बट कुछ डार्क कलर है जो कि बहुत लाइट नहीं रख सकते इस एरिया में थोड़ा नेचुरल लगने के लिए ये सब जो आ, फिंगर टच करना है ये सब स्प्रे कर देना है ये सब चलता रहता है यहाँ पे अंदर में है जो प्लास्टिक वो उतना ही कलर बहुत है उसके लिए तो देखा जाए कि ये इंगेज किया गया पूरा एरिया जो है कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है ऐसा ਉਹਨੂੰ ਤਨਾ ਡਾਰਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ड्रामा कर करके यहाँ पे कुछ होने का एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं ये टैक्सी को थोड़ा सा संभाल के काम कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हीरो वाला पार्ट है जो साइड में गाड़ी है कार है वहां पे उसको क्या किया मतलब बहुत ज्यादा उभरता हुआ कलर नहीं वो वाइट बैकग्राउंड में पड़ा रहेगा उधर ही स्टार्ट हुआ तो ठीक है नहीं तो उधर ही पड़ा रहेगा है ना ऐसा करके क्योंकि हीरो ये है ना उसको ज्यादा हीरो नहीं बनाएंगे सा पे जो ऑटो में और कलर को ऐड किया लेकिन देखो ऐसा है कि आपको ग्रीन कलर है ट्यूब भर के आ, ऐसा नहीं कि पूरा भर के लगा दिया कलर क्योंकि वो दूर है कितना कलर होना चाहिए उतना ही कलर लगाना है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेंटिंग को आपके जो डेप्थ वाला पार्ट है उसको अच्छी तरह मेंटेन करना है जिससे कि वो दूरी मेंटेन हो और अच्छा लगे पेंटिंग पर्सपेक्टिव को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे लेवेंडर से इसकी हाइट को और इंक्रीज किया है और एक सेकंड मुझे लगेगा थोड़ा बैटरी को चेंज करूंगा अल्टीमेट रेड ब्राउन बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत तो नहीं जितना डार्क से काम चल जाए उतना तो ही करना है जो ये कलर का जो ऑरेंज का जो स्टेज है और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं जिससे कि और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो वो लाइट वाला येलो तभी चमकेगा जब हम इस तरह से डार्क वाला पार्ट में कुछ कलर करते हैं ये थोड़ा सा गीला रहते रहते मुझे कलर लगाना था भूल गया बट थोड़ा सा हो जाएगा काम बहुत छोटे हैं जितना छोटे सब्जेक्ट होते उतने ज्यादा प्यार से काम लेना पड़ेगा किस तरह से कितना कलर्स है क्या कलर है वैसे ही थोड़ा यूज करने की कोशिश करना है ऐसे में अल्टरमेट रेड ब्राउन अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो कि है ड्राई हुआ है थोड़ा नमी है और मैं बताना चाहूँगा इसी तरह से मेरे क्लासेस चलते हैं जो भी इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस के बेनिफिट ये है कि आपका रिव्यू मतलब आप जो काम करेंगे मैं काम करने के बाद वो मैं देख पाऊंगा और उसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि आपके को जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है वो जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक तो कैसे इम्प्रूव होगा तो उसके लिए क्लासेस हैं जो चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं आपके आपके लेवल के अनुसार क्लासेस हैं बेसिक से लेकर के ड्राइंग से लेकर के शुरू करके हर एक लेवल का क्लास है मेरे पास तो आप अपने हिसाब से उसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं इसकी जो हेड लाइट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कलर ऐसा संभाल के रखा था वाइट वाला शायद आपको भी अच्छा लग रहा है Okay. वो शेडो रोड के कलर के ऊपर डिपेंड करता है ना तो ऐसे कुछ वायलट कलर फिक्स नहीं है ध्यान रखिएगा हमेशा थोड़ा सा इस तरह से मैं कुछ कलर का इस्तेमाल कर देता हूँ करना तो ड्रामा ही है थोड़ा खिड़की भिड़की थोड़ा छोड़ने की कोशिश की जैसे कि थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ है कुछ यहां पे कलर्स प्लास्टिक्स जो राइट वाला कलर को भी बैलेंस कर सकता है आप नोटिस करेंगे जी सब कलर लेफ्ट में चल रहा है वो राइट में भी है जो राइट में है वो लेफ्ट में, में भी है क्या है क्या नहीं उससे ज्यादा जरूरी है कुछ इस तरह से आप ड्रामा रेट कर सकते हैं और ये पहली बार जब आप करेंगे बहुत बुरा होने वाला है अच्छा तो नहीं होगा बार बार वॉच करने के करने से आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर सकते कि क्या ड्रामा किया गया क्यों ऐसा डार्क कलर यहाँ पे डाला जा रहा है ये सब चीज़ आपको नोटिस हो जाता है हमें ऐसा जब भी मैंने काम को किया पहले एक कलर से गीला किया गया फिर उसके बाद उस एरिया में आप देखे होंगे कि मैं कुछ ऐसा डार्क के जरिए काम को आगे बढ़ाया वाटर खूब है वाटर इतना है कि बहुत एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट करके ही काम होता है काम करना है और आप डार्क करते हो तो वाटर का अगर क्वांटिटी आप थोड़ा तो ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा वो सात खून माप वाला कहानी हो जाता है सेवन खून माप बोल के पिक्चर आया था ना वो थोड़ा सा आप वाटर ज्यादा रखो तो एंड ऑफ टाइम में आपको वो सॉफ्ट आ जाता है मतलब क्या है क्या, है, क्या नहीं है नहीं पता है कॉन्ट्रास्ट है कलर है क्योंकि मैं करने में उसको मजबूर हो रहा हूँ कलर लगाने में, में मजबूर हो रहा हूँ बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे ये जो रेड चमक नहीं सकता दूर कैसे चमक सकता है नहीं चमकेगा इस पे क्या कलर होना है थोड़ा सा आपको मन में सोचना है ठीक है मन के मन के दृष्टि में थोड़ा देखना है थोड़ा देख के अभी देखो इधर भी लेवेंडर इधर भी लेवेंडर बैलेंस भी हो गया थोड़ा मेरा ऐसा मैं समझता हूँ सभी नहीं समझते आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है बोलते उसको वेलकोनी वेलकोनी बना लिया थोड़ा सा ऐसा लगे कुछ है कुछ तो है ये कलर ज्यादा हो रहा है क्या कलर आना चाहिए यहाँ पे मैरून भी अच्छा लग रहा है कलर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है आएगा तो थोड़ा डार्क कलर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे डार्क ही रहेगा लाइट होगा तो फिर वो नज़र दूर लेके नहीं जा पाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे डार्क ही आएगा तो बाजू में थोड़ा सा मैं लेवेंडर कर सकता हूँ इनको ज्यादा सोचा नहीं रेड ब्राउन कलर को इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा ऑरेंज ज्यादा हुआ कलर कम करता हूँ और थोड़ा लाइट के ऐसे जगह पे है इतना डार्क होगा नहीं थोड़ा सा मतलब इतना लाइट नहीं होगा कैसे कलर को छोड़ा जा रहा है लाइट ऊपर से उसके ध्यान रखा जा रहा है और यहां पे कुछ कहानी बनने के लिए थोड़ा सा यहां पे एक बच्चे डाल दिया गया बच्चे का कलर मैं ये डालता हूं फिलहाल बाद में देखूंगा कितना कम करूंगा तो एक एक चीज आप देखने को मिल रही है आपको बहुत ऐसे इंप्रेशन टाइप का क्योंकि देखने को मिल रहा है और ये सब कहाँ से आएगा जब को आपको ड्राइंग का नॉलेज रहेगा अच्छा खासा तब ये चीज कर सकते हैं नहीं तो कितना भी आप जोड़ लगाए ऐसा करेंगे ट्राई करेंगे नहीं होगा इसके लिए हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअली आपको उसको ड्राइंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये बनेगा बात पे क्या कलर दो ठीक है ज्यादा तो ये देखो सिर के ऊपर एक टोपी सा डाल दिया जिससे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और ये गर्दन में एक बैग सा है बट बहुत गीले में कर रहा हूँ जो भी है एक्सीडेंट का होके ही बनता है उसमें ज्यादा मजा आता है और लेग्स को फोल्ड करने से क्या उसके जो मूवमेंट है वो आ गया ऊपर की तरफ मैंने बॉर्डर पे ऊपर की तरफ थोड़ा लाइट लाइट छोड़ा है चाइनीज वाइट है यहाँ पे वह वाइट खत्म हो गया वहां पे इस तरह से लगा सकते हैं कुछ होने का असर करता है ऐसे छोटे छोटे लाइट्स कुछ एक फिगर जो कि बनाना है और ध्यान ये, ये रखना है उसके साइज और दूर जाते हुए कौन सा उसमें अभी वो ज्यादा लाल पीला दिखेगा नहीं दिखेगा कुछ ऐसा टिप टिप बना दिया जिससे कि लगे कुछ है दूर कोई फिगर बना रहे हो तो उसके शोल्डर में थोड़ा लाइट देने से वो बंदा खुश हो जाता है और क्या कर देते हैं हमिगर ब्रश के जरिए देखो वो स्टेशनर का स्टेशनरी का जो परिगर ब्रश है एकदम से पतला होता है कोलकाता बनाया और इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाया ठीक से वो लगेगा नहीं खास करके जो ओल्ड वाला कोलकाता मतलब सबसे पहले मैंने रेशियो का ध्यान रखा जो रेशियो बन रहा था जिसमें जिसके अंदर वो खूबसूरत हो रहा था अभी मैं आपकी कमेंट्स देखूंगा आपके जो भी सवाल है वो देखूंगा और कोई सवाल आप करना चाहते जरूर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लासेस डिटेल्स है आप मुझे व्हाट्सअप करें आपके जो लेवल्स पे आप है उस लेवल से जो क्लासेस आपके लिए होंगे वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और सिखाऊंगा भी तो वो रेगुलर बेसिस क्लासेस है वो आप जरूर ज्वाइन करें मैं भी आपके थोड़ा सा कमेंट्स देखता हूँ ओके okay, शुगुना मैम गुड इवनिंग फास्ट वास्ट इंपोर्टेंट नहीं है सारी चीज ही इम्पोर्टेंट है ड्राइंग से लेकर के हर एक चीज तो देखना है कि आपको कौन सा स्टेज में जाके आपका मिस्टेक हो रहा है वो वर्म ट्रांसप्लांट योलो आप वही है योलो 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 परमानेंट योलो ले सकते पार्मेंट येलो लाइट एक मिजोलो का आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं वो बेस्ट रहेगा थैंक यू सुजा सुजनित सुजनित ओके okay, सुजनित सॉरी सौरभ गौशन जी थैंक यू सो मच क्रिएटिव स्टूडियो ओके ऑलरेडी लुकिंग फैंटास्टिक थैंक यू सो मच विपुल जी कम्पोजिशन अनिल जी हेलो सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके थोड़ा लेट हो गया आपको वीडियो मिलेगा पूरा बाद में भी थोड़ा जरूर देखिए और जो भी कॉमेंट्स है आपको करना है थैंक यू ओके तो जहाँ से स्टार्ट किया था कि इसे आ, जो रेशियो है उसकी सबसे पहले ड्रॉ करना है परस्पेक्टिव का ध्यान रखना है रूल ऑफ थर्ड भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं रूल ऑफ थर्ड में आप देखिए गोल्डन पॉइंट फोकल पॉइंट जो है है मेरा ये मल्टीपल फोकल पॉइंट हो सकता है आप कहानी क्रिएट करने के लिए जिस तरह से बच्ची को डाल दिया एक यहाँ पे कहानी क्रिएट हो गया और ये यहाँ पे फिगर आने से ये गाड़ी और फिगर के एक बैलेंस बन रहा है कि हाँ वो बंदा हाइट या गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा ऐसा साइज आपको अक्सर ये होता है कि फिगर का क्या साइज होना चाहिए ये आपको डाउट होता है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि वहां पे जो फिगर्स हैं गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको डालना है ये जो पर्सपेक्टिव तैयार हो रहा है जो दूर जाते हुए छोटा हो रहा है वो सब छोटे करना है ये जो लाइंस है ये अगर इस पॉइंट से देखा जाए पॉइंट पॉइंट पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पर सारे बिल्डिंग नहीं आता कोई इधर घुमा होगा तो तेज चेंज हो जाएगा तो ये सब चीजें होते हैं तो कुल मिला मैं आपको शायद थोड़ा समझा पाया जो भी मैंने यहाँ पे किया है और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है उसे ज्वाइन करिए मैं रिकमेंड करूँगा आप एक महीना ज्वाइन कीजिए आपकी बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज है जो कि आपके पेंटिंग को देखते हुए मैं बताऊंगा आप मेरे पेंटिंग देख रहे हो आपके क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको देखना जरूरी है और आप जरूर विजिट करें आपको जो रिजनेबल प्राइस में अगर कुछ बेस्ट ब्रशेस चाहिए सिंथेटिक में अः uh, काफी अच्छा ब्रशेस है मैं खुद यूज करता हूँ बहुत सारे रिगर ब्रश है डगर ब्रश है एकदम डांसिंग मतलब हालत में वो एकदम डांस करता है क्या बोलूँ मजा आता है उसमें काम करने के लिए जो डगर ब्रश जो आप देख पा रहे हो ग्रीन वाला तो ये जो स्टेशनरी का है सारे ब्रशेस अवेलेबल है मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया और ये आर्टिकेट में आपको अवेलेबल है और तो क्या आप मेरे कूपन कोड भी यूज़ कर लीजिए आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा थैंक यू सो मच यहीं पे इसे क्लोज करते हैं मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो भी कमेंट्स आप जरूर डालिए यहाँ पे और मैं आगे भी आपको आंसर देता रहूँगा लाना पेपर जरूर जरूर एडवाइस तो क्या लाना पेपर अच्छा है मुझे अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है लाना पेपर मुझे अच्छा लगता है सोंदर्स का वाटर फोर्ट जो हाई व्हाइट लेना है सोंदर्स का वाटर फोट जो है हाई व्हाइट जो कौन तो सा कहा गया कहाँ गया कहा हाँ हाई व्हाइट ठीक है और कोल्ड प्रेस में यूज करता हूँ जैसे कि ये देखो इसमें ड्रामा किया था मैंने कल ये जो सॉफ्टनेस है क्लास के अंदर दिखाया था इस तरह से बहुत सारे पेंटिंग्स है तो अभी शायद मेरे मेरे नेक्स्ट क्लास है एक्चुअली तो अभी मुझे जाना होगा तो आप लोग बने रहने के लिए शुक्रिया और थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ और आपको अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा जैसे कि मुझे अच्छा लगेगा और आपको कुछ कमेंट्स आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने वॉच किया आपने देखा है एक्चुअली जो भी आपको सीखने को मिल रहा है अभी मैंने चित्र संत गया था तो मैं रियलाइज़ किया कि आपको आप बहुत सारे जो है मेरे यूट्यूब से भी सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको मैं आ, उसी लिए मैं आया हूं कि आप इस तरह से भी सीख सकते हैं और मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम एक महीना आप ज्वाइन करें ऑनलाइन क्लास जिससे कि आपके बहुत कुछ क्लियर होने वाला है और थैंक यू सो मच इसी तरह से मैं आता रहूँगा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा तटापा बह